एक्सक्यूज मी सर, ये फरमाइए सर, ये गाड़ी थोड़ी सी साइड पे कर ले, मुझे गाड़ी गुजारनी। अरे इतनी ज्यादा जगह तो है, वहां से निकल जाएगी तुम्हारी गाड़ी। सर जगह थोड़ी है, आपकी गाड़ी हिट हो जाएगी। अरे कैसे जगह थोड़ी है भाई, यहाँ से तो पूरा ट्रक गुजर जाएगा, तुम्हारी इतनी सी चिपुंदर सी गाड़ी नहीं गुजरेगी क्या? देखे ये मुनासिब नहीं है इस तरह रास्ते में रॉन्ग पार्किंग करना, और लोगों को भी तकलीफ होगी। और लोगों को तकलीफ होगी तो ये जिन्होंने बाकी ये सबने गाड़ियां खड़ी की है, वो इनसे कहो ना कि ये जरा साइड पे गाड़ियां खड़ी करे। यासर उमर ठीक कह रहा है, क्यों बहस कर रहे हैं, साइड पर कर लेना थोड़ी का। मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है, चुप करके खड़ी रहो यहाँ पे। अरे भाई ये मेरा घर है, मेरे घर के सामने मेरा हक है यहाँ पे पार करना, और तुम कमाल बातें कर रहे हो, इतनी जगह पड़ी हुई है। चलो निकाल लो अपनी गाड़ी, तुम्हें तंग नहीं करो, चलाओ अंदर चले, रहने दो इनको। सुन नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ, अंदर चलो चलो। इतनी जगह है, इतनी सी गाड़ी है डिंकी जितनी, वो भी नहीं गुजरेगी। दिमाग खराब हो गया, पता नहीं फजूल बहस लेके बैठ जाते हैं, हद हो गई है यार। चले तरीका है ये कोई, छोड़े ना आप, इनकी तो आदत है, आप गुस्सा करके खामो खामे अपना बीपी बढ़ाएंगे, कोशिश करके यही पार कर ले किसी तरह से, आराम से देख के। जी चाहता है वो गाड़ी तोड़ दो इसकी, बहुत ही बदतमीज इंसान है। जिस शख्स को अपनी बीवी से बात करने की तमीज नहीं है वो अपने पड़ोसियों को क्या सलूक करेगा। तो शुरू से ही ऐसे तमीज कहाँ है उनको, गलती हो गई, पूरा मोहल्ला इससे तंग है, पूरा मोहल्ला, बात करने की तहजीब नहीं है इसको, और हर चार दिन के बाद कोई नया तमाशा खड़ा किया होता है इसने। अच्छा छोड़े ना आप, क्यों अपना दिल जला रहे, वो तो शुरू से ही ऐसे, ऐसे इंसान कभी नहीं बदलते, हाँ मखाब अपना बीपी बढ़ाएंगे, आप थके हुए जाएं जाके फ्रेश हो जाएं। देखा तुमने कैसे बात कर रहा था मुझसे, दिमाग खराब हो गया इसका, बड़ा आया मुझे अखलाकियात का सबक देने वाला, अरे ऐसों को तो मैं घर तक छोड़ के आऊं जाके। यासर वैसे आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, दीवार से दीवार मिली है हमारी, और बहुत बुरा लगता है हमसायों से लड़ाई झगड़ा करना। फिर शुरू हो गई तुम, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा कहा है मेरे सामने उसकी हिमायत मत किया करो। आप समझते क्यों नहीं, हमसायों के भी हुकूक होते हैं, हमें अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर शुरू हो गई लेक्चरबाजी तुम्हारी, अरे ये सारा काम तुम स्कूल में किया करो, जहाँ आधे से ज्यादा वक्त बर्बाद करके आ जाती हो। ये चक 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 करने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी क्या हुआ है, अबू क्यों झगड़ रहे हैं? अरे मैं नहीं झगड़ा भाई, ये तुम्हारी माँ झगड़ा करने पे मजबूर कर रही है मुझे, पड़ोसियों के हकूक का इसे बड़ा ख्याल है, लेकिन ये नहीं समझती कि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरतें जो है वो सीधा जहन्नम में जाती है। आखिर मैंने कौन सी नाफरमानी की है आपकी, और अगर मैं स्कूल में मुलाजमत कर रही हूँ तो इस घर की खातिर आपका बोझ हल्का करने के लिए, और वो भी आपकी इजाजत से, फिर हर वक्त आप मुझे मुलाजमत का ताना क्यों देते रहते हैं? अरे कितनी मर्तबा कहेंगे, प्लीज आ जाओ इसको ले जाओ, दिमाग खराब किया हो इसने, दूर करो मेरी नजरों से इसे। एक वो खाम खामे आके बैठ जाएं। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? आप जानती हैं ना अब्बू के मिजाज को, मुझे तो समझ नहीं आती उनके साथ मसला क्या है, बहुत करवाहट है उनके लहजे में। तुम्हारे अब्बू को समझना बहुत मुश्किल है, मैंने तो जिंदगी गुजार दी उनके साथ, कभी झूठे मुंह तारीफ की ना कभी मुस्कुरा कर देखा, लेकिन बेटा मैं तो ये सब बर्दाश्त कर ही रही हूँ,
लेकिन उनकी वजह से मोहल्ले वाले कितने परेशान हैं। उन लोगों ने हमारे साथ मिलना जुलना बंद कर दिया, हमारी तरफ देखने से कतराते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बू की वजह से। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, अब्बू ने तो हद ही कर दी, उन्हें तो इस चीज का भी एहसास नहीं है कि उनकी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट होती है। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि उनकी बेटी जवान हो रही है, कल को उसके रिश्ते आएंगे, मोहल्ले वालों से पूछगिछ करेंगे, तो हम तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उनकी वजह से कोई बहुत बड़ी मुश्किल ना आ जाए। अम्मी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। तो मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही, मायूसी से घुटन होने लगी है मेरी। अम्मी आप इस तरह रो मत, मायूसी गुनाह है, और अगर अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब्बू का दिल बदलना इतना मुश्किल तो नहीं है ना अल्लाह के लिए। प्लीज आप इस तरह रोए मत, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्लीज अम्मी प्लीज। पलक पलक। जी जी अब्बू। क्या जी अब्बू? अरे माँ की गोद में ही बैठी रहोगी या बाप को भी कुछ पूछोगी? बोल बोल के हलक खुश हो गया मेरा। जाओ जाके पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी जल्दी आओ, किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा यहाँ पे, तेरा बोलना पड़ता है, दिमाग खराब है, जाइ लौटते। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी खुद। अरे भाई तुम अपना काम करो ना, छोड़ भी दिया करो कभी। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? पूरा फेंकने जा रहा हूं मैं, काम करो तुम अपना, पकाओ रोटियां। या अल्लाह खैर। जीतने के लिए दो चाहिए। हाँ दो, जीत गया। यस भैया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप मुझे जीत नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा गेम लगाओ, अभी देख लेता हूँ तुम्हें। चलो। अच्छा चलो देखते हैं, आ जाए। मेरे खुदाया ये क्या इंसान है, फिर कचरा फेंक गया यहाँ पे, बहुत ही बदतमीज इंसान है ये। उमेर 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 उमेर, जान अजाब बना रखी है इस आदमी ने। क्या हुआ, क्यों इतनी झुंझलाई हुई? तंग करके रख दिया यासिर भाई ने। क्या हुआ भाभी, दोबारा कोई शरारत की क्या उन्होंने? हाँ ना, फिर अपने घर का कचरा हमारे घर के आगे डाल के चले गए, कोई बात है? पता था मुझे अब यही करेगा, जब भी इसको किसी चीज से रोको ना, ये यूं ही तंग करना शुरू कर देता है। खैर करता हूँ इसे बात। नहीं नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की, आपको पता है ना वो कितने झगड़ालू हैं, फिर आपके साथ कोई बदतमीजी कर देंगे। लेकिन भाभी इस तरह चुप भी तो नहीं रहा जा सकता ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आराम, हम जैसे लोग इनके साथ कहाँ मुकाबला कर सकते हैं, इन्हें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। दिल तो चाहता है यूनियन में इसकी कंप्लेंट करूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके बीवी बच्चों का ख्याल आ जाता है मुझे। सही कह रहे हैं आप, तुबा भाभी तो बहुत अच्छी तबीयत की मालिक है, बेचारी हमेशा माजरत के लिए आ जाती है। अरे वो देखा, फिर आ गई माजरत के लिए, मैं जाके देखती हूँ। आ जाओ, तुम्हें मैं देखता हूँ बेटा। अच्छा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं माजरत चाहती हूँ, आपको परेशानी हुई, मैंने बाहर से सफाई कर दी है, अगर आप इजाज़त देती हैं तो मैं अंदर से भी कर देती हूँ सफाई। कैसी बातें कर रही हैं, जो आपकी गलती नहीं है उसका भला ज़्यादा आप क्यों करेंगी? गलती उनकी हो या मेरी, बात तो एक ही है, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं बहुत बेबस हूँ। जानती हूँ, इसलिए मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। देखिए आप यूनियन में शिकायत मत कीजिएगा, पहले ही उनके पास हमारी बहुत कंप्लेंट्स है। नहीं करेंगे शिकायत, उसे भी शिकायत करने का क्या फायदा है, इससे पहले भी काफी दफा उनको वार्निंग मिल चुकी है, लेकिन आपके हस्बैंड बाज ही नहीं आते। ये तो बस दुआ है कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। मैं तो दिन रात उनके लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह जाने मेरी दुआएं कब कबूल होगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। चंदा। चंदा? अरे कैसा चंदा, कहाँ का चंदा? मस्जिद के लिए। अरे मस्जिद के नाम पे चंदा मांगते हो, हमें क्या पता लगाते भी हो के नहीं लगाते। चलो जाओ भागो यहाँ से, निकलो, खाम खाम में मुंह उठा के आ जाते हैं। ले बेटा। अरे ये सब फ्रॉड होते हैं, मस्जिद के नाम पे चंदा लेते हैं और खा पी जाते हैं, पता है मुझे। हर बंदा अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है, नेकी तो नेकी है, राई के दाने बराबर भी हो ना, जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका अजर मिलता है। चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। नेकी का अजर मिलता है, दिखावे की नेकियां, पता है मुझे सब। अरे ये मुझे निशा दिखाने के लिए तुम करते हो, बड़ा आया नेकियां करने वाला। सवा बारह हो गए, ये टाइम ठीक है, अभी बताता हूं बच्चों तुम लोगों को। ये मुसीबत है यार, इस शख्स ने तो रोज तंग करने की आदत बना ली है। यार भाई को बताता हूं, भाई भाई क्या बात है ना? ये देखे ना यासिर साहब, अब ये क्या नई मुसीबत शुरू कर दी,
ये कौन सा वक्त है इतना तेज म्यूजिक बजाने का? क्या कर सकते हैं, हम बर्दाश्त करो। अब बर्दाश्त करो, कल मेरा एग्जाम है, पढ़ रहा था मैं, फोकस ही नहीं कर पा रहा पढ़ाई पर। और अब मना करेंगे ना तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। मैं तो कहती हूँ ये घर बेच देते हैं, किसी और जगह नया घर खरीद लेते हैं। इतना आसान नहीं होता मकान बेच देना और नया मकान खरीद लेना। कैसी बातें करती हो? फिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे उमैर? मैं तो आजिज आ चुकी हूँ। आखिर क्यों करता है आदमी ऐसी हरकतें? मेरे दिल से ना इसके लिए बद्दुआएं निकलती हैं। लगता है मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। सबक सिखाता हूँ मैं यासर साहब को। हरगिज नहीं, तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या करूँगा। सब्र करो, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा सुने, ज्यादा बहस मत कीजिएगा, तो रोज की कहानी हो गई है। अब शर्म ही नहीं आती इस इंसान को, क्या करें। अबू, अबू, बातें शातें बनाना दूसरी, अबू, सदाना तूने सीखा कहां से, अम्मी, उम्र सारी चलेगा पर तुझे, अम्मी, अम्मी, अब्बू को मना करे ना, देखे ना अब्बू ने कितनी तेज आवाज में म्यूजिक लगाया हुआ है। मेरी बात का इन पर असर होगा, मैं कुछ भी कहूंगी लड़ना शुरू कर देंगे। अरे हमारे साथ साथ सबकी नींदें हराम की हुई है इन्होंने। अम्मी आप चले ना मेरे साथ, चले। अच्छा ना, चलती हूँ। अब होगी लड़ाई, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे बस। यासिर, यासिर, क्या है? इसे तो ऐसा करें। ओहो, एक तो तुम मुझे जिंदगी में ना एंजॉय नहीं करने देती हो, क्या बात है? बाहर देखें दरवाजे पर कोई आया है। अरे ये को वक्त है किसी के घर में रात को आके बेल बजाने का? पता नहीं कौन आ गया कमबख्त। अरे देखता हूँ, आ रहा हूँ, तुम तो जाओ अंदर। अरे आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना भाई, सबर करो। पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। क्या है भाई, क्या परेशानी है? यासिर भाई परेशानी भी आप ही की वजह से है, इतनी ऊंची आवाज में आपने म्यूजिक लगाया हुआ। हाँ तो क्या ये मुनासिब बात है? लोग आस पड़ोस में डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये मेरा घर है, मैं अपने घर के अंदर अपनी चार दीवारी में जो मर्जी करूं, तुम कौन होते हो दखल अंदाजी करने वाले? यासिर भाई आप ये आहिस्ता आवाज में भी सुन सकते हैं। ये अपना मशवरा जो है ना अपने पास रखो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मुझे एतराज है, मैं आपको ये मनमानी नहीं करने दूंगा। ओ, सुना सुना तुमने, कह रहा है कि मैं मनमानी नहीं करने दूंगा। अरे भाई तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अच्छा क्या क्या करोगे तुम है? यहां कोई पत्थर पत्थर पड़ा तो उठा के मेरे सर पे दे मारोगे ना, फाड़ दोगे मेरा सर है, और क्या करोगे तुम? मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन करूंगा। पुलिस? उमेर बेटा वो इनकी तरफ से मैं माजरा चाहती हूँ, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। तुम क्यों माफी मांगोगे भाई? अरे जाओ जाओ जाके बुला लो पुलिस को, मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ पुलिस से। मुझे धमकी लगा रहा है, पुलिस लेके आऊंगा मैं। अरे देखा तुमने दीदा दलेरी उसकी, मेरे घर में घुस के मेरे घर में आके मुझे धमकियां लगा रहा है। भाई मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं, मैं ऊंचा म्यूजिक सुनूं या मैं ना सुनूं म्यूजिक, ये चचा लगता है मामू लगता है क्यों? हद हो गई है, दिमाग खराब किया हुआ है पकड़ के। पुलिस को बुला लेगा, का बच्चा कहीं बुला ही ना ले।
क्या बदमाशी है, ये क्या ताक झांक लगा रखी है लोगों के घरों में? क्या, किसने की ताक झांक? तुमने और किसने? आपको गलत फहमी हो रही है, मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के स्टडी कर रहा था। अरे मैं जानता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे इस अवारा खसरत दोस्त को भी। आप तो खामखा बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, अरे मैं तो तुम्हें रोक रहा हूँ। अरे अगर तुम लोग बाज नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हड्डी पसली है कर दूंगा तुम दोनों की। हम लोगों ने जब कुछ किया ही नहीं तो हड्डी पसली क्यों करेंगे आप? आप हमारे बड़े हैं इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं। तेरी चूड़ियों की तो ऐसी ही तैसी। अम्मी, अम्मी क्या हुआ, क्यों इतनी घबराई हुई हो? अम्मी जल्दी मेरे साथ चलें, अब्बू का झगड़ा हो गया है बाहर। क्या, किससे? अरे हम और उसके दोस्त बातें कर रहे थे, पता नहीं अब्बू ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया और पता नहीं उन्हें क्या लगा। प्लीज चलें, सुनो झगड़ा बढ़ जाए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मना किया था ना झगड़ा नहीं करना? अरे भाई मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया, इन्होंने किया है, हम तो यहाँ बैठे हुए पढ़ रहे थे। अरे कोई स्टडी नहीं कर रहे थे तुम, अरे यहाँ पे बैठे मेरे घर में ताक झांक कर रहे थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यासिर भाई आपको कोई गलत फहमी हुई है? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज के बाद अगर तुम दोनों ने यहाँ बैठ के अपनी कोई पढ़ाई वढ़ाई की ना, अरे तो मैं जान से मार दूंगा। ऐसे कैसे जान से मार देंगे? मैं तुम्हारा मैच छोड़ दे। यासिर तुम अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। चलो अंदर। आहिस्ता भाभी आहिस्ता, कितनी बेदर्दी से मारा है, क्या हाल बना दिया उसने, देख रहे हैं आप। अरम मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था वहां पर? भाई कुछ भी नहीं हुआ था, झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, मैं और फैसल सिर्फ बैठे हुए थे वहां पर। आप भी ना किसकी बातों में आ रहे, उस शख्स को तो मौका चाहिए फसाद खड़ा करने का, एक नंबर का झूठा इंसान है वो, पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। आराम करो बेटा। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम, खबरदार अगर तुम आइंदा बालकनी में नजर आई मुझे तो तुम भी जरा इसमें नजर रखा करो, सारा दिन पता नहीं घर में सोई रहती हो तुम। और वो जो बेगैरत लड़के हैं उनके साथ तो मैं वो करूंगा कि उनकी नस्लें याद करेंगी, समझियो तुम। कमाल है अम्मी, अम्मी अब्बू गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। क्या समझते हो मैं तुम्हारे अब्बू को जानती नहीं, तुम अपना दिल बुरा मत करो। क्या है? वॉलेट निकालो। क्या वॉलेट निकालू, क्यों निकालू भाई? मैं वॉलेट निकाल, मोबाइल निकाल भाई। ऐसे वॉलेट मोबाइल निकालू, तेरे बाप क्या क्या मैं जाता है तेरे। अबे तेरी ऐसी की तैसी, अबे तू सबक में गलती है अभी। अरे बचा, बचाओ यासिर भाई, यासिर भाई, यासिर भाई हौसला कर। क्या खुदाया ये क्या हो गया? यासिर भाई गोली मारी। क्या होगा मैं? तुम घर वालों को बताओ मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हाँ, मैं भाभी को और तुम्हें को बताती हूँ।
उमर बेटा क्या हाल है इनका? ठीक तो है ना? क्या हो गया? भाभी डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे हैं, बस दुआ करें खैर रहे। बैठे बैठाए पता नहीं ये सब क्या हो गया है। या अल्लाह खैर। डॉक्टर साहब यासिर ठीक तो है ना? पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, गोली लगने की वजह से खून काफी बह चुका है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। आप जल्द से जल्द और नेगेटिव ग्रुप का अरेंजमेंट करें। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है सर। दैट्स गुड, आप मेरे साथ चलें। जी या अल्लाह अपना रहम कर दे अल्लाह, यासिर की गलतियां माफ कर। प्लीज कुछ करो, प्लीज मेरे अब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए। पलक हौसला रखो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अगर अब्बू को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ऐसे नहीं सोचते, प्लीज तुम रोना बंद करो, हम मिलके दुआ करते हैं कि ये टाइम खैर खैरियत से गुजर जाए बस। चलो शाबाश, पानी पी लो, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब यासिर भाई की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब खतरे से बाहर हैं, जान बच गई उनकी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हम सबको नागहानी मुश्किलात से महफूज रखे। आमीन। अच्छा वो आप घर कब आ रहे? मैं किरण अभी हॉस्पिटल में ही रुकूंगा, हॉस्पिटल के इश्यूज को तुम जानती हो। भाभी कैसे अकेले मैनेज करेंगी सब कुछ? ये बात भी है। अच्छा भाई काम करती हूँ, अरम को भेज देती हूँ। आप कितने थक गए होंगे ना, कल से अस्पताल में है, थोड़ा आराम कर लेते फिर फ्रेश होके चले जाएगा। अच्छा ठीक है, भेज दो अरम को, मैं घर आ जाऊंगा। सुनो वो दराज में मेरे कुछ पैसे पड़े होंगे, वो अरम के हाथ भिजवा देना। ठीक है, तुबा भाभी को मेरी तरफ से तसल्ली दे दीजिएगा और कहिएगा कि फलक की तरफ से बेफिक्र हो जाए। अच्छा ठीक, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल अल्लाह के लाख लाख शुक्र है अब्बू आप घर आ गए, बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं पता मैंने और अम्मी ने कितनी मुश्किल से ये वक्त गुजारा है। रखो ठीक, आराम से, शुक्र है खैर खैरियत से घर आए आप। आराम से
ठीक है? ठीक हो। अल्लाह भला करे उमेर और किरण का, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ऐसा तो कोई सगे रिश्तेदार नहीं करते। मेरे दिल से तो उनके लिए हमेशा दुआएं निकलती रहेंगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, अगर उमेर भाई और किरण भाभी नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। अल्लाह उन्हें जजाए खैर दे। अच्छा अब आप आराम से लेट जाएं, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, अभी कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, अभी मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, तुम दोनों भी जाओ। जाओ पानी लेकर आओ के लिए। जाओ ना, तुम भी जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ थोड़ी देर। चलो मैं सूप बनाती हूँ, जब दिल चाय पी लीजिए। अल्लाह भला करे उमेर और किरण का, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ऐसा तो कोई सगे रिश्तेदार नहीं करते। मेरे दिल से तो उनके लिए हमेशा दुआएं निकलती रहेंगी। इतनी ऊंची आवाज में आपने म्यूजिक लगाया, वो क्या ये मुनासिब बात है? लोग आस पड़ोस में डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये मेरा घर है, मैं अपने घर के अंदर अपनी चार दीवारी में जो मर्जी करूं। तुम कौन होते हो दखलंदाजी करने वाले? अरे ये क्या, आप ऑफिस जा रहे हैं? दो चार दिन और आराम कर लेते, थोड़ा बेहतर हो जाते, फिर चले जाते ऑफिस। नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा मैं। है? उमेर की तरफ जा रहा हूँ, उसके पैसे देने और शुक्रिया भी अदा करना। अच्छी बात। तुबा जी, शुक्रिया, मैंने तुम्हारा भी तो अदा करना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुशकिस्मत हूं मैं, तुम जैसा जीवन साथी मिला मुझे। कि मेरी बदकिस्मती देखो, तुम्हारी अच्छाइयों की कदर नहीं कर सका मैं। मुझे माफ कर दो। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कर। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बहुत है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई।
कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का, काफी बेहतर हूँ। खैरियत हुकुम करें। एक बात करनी थी आपसे उमर, अंदर आ सकता हूँ? जी जी, आपका अपना घर है, आइए आइए। बहुत शुक्रिया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? यासिर भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मेरा फर्ज था। अगर मैं अच्छा इंसान होता ना तो इसे अपना हक समझ के कबूल कर लेता। अगर मेरे पूरे रवैये और घटिया सलूक के बावजूद आपने मेरी जान बचाई, मुझे मरने नहीं दिया, किस किस बात का कर्ज चुकाऊं मैं? मैंने कोई एहसान नहीं किया। आपने बुराई का बदला भलाई से दिया। इस सोच सोच के मैं निदामत की दलदल में धंसता चला जा रहा हूं। यासिर भाई, अगर हर इंसान बुराई का बदला बुराई से देने लग गया तो फिर ये दुनिया इंसानों के रहने के काबिल बचेगी नहीं। किसी को तो भलाई में पहल करनी होती है ना। आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप बहुत आला ज़र्फ के मालिक हैं। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बहुत छोटा सा इंसान, घटिया सा। वो जो चोट मैंने लगाई, पता नहीं मैंने किस किस के दिल दुखाए हैं, किस किस की आहें ली हैं। आप मुझे माफ कर देंगे ना? मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने कहा ना कि मेरा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है, मुझे कोई शिकवा नहीं है आपसे। फिर भी इस एक छोटी सी बात से अगर मुतमईन होते हैं तो मैं कह देता हूँ कि मेरा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह भी आपसे राजी हो जाए। अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे।